फ्रेंड्स, मेरे पास रखे हुए थे ये बहुत सारे वेस्ट कपड़े, तो आज मैं इनका इस्तेमाल करने वाली हूँ। वैसे वेस्ट कपड़ों से आप बहुत सारी चीजें घर में बना सकते हैं। आज हम बनाएंगे फ्लोर सोफा। तो अगर आपके पास भी इस तरह के कपड़े हों तो आप भी उनका इस तरह से जरूर इस्तेमाल कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो मेरे पास ना ये बच्चों का पुराना ब्लैंकेट रखा हुआ था, तो मैं आज इसका इस्तेमाल करने वाली हूँ। इसकी जगह आप कोई भी फैब्रिक इस्तेमाल कर सकते हैं, पुरानी बेडशीट वगैरह से भी आप बना सकते हैं। तो ये बहुत ही ठीक है, इसलिए मैं इसका इस्तेमाल कर रही हूँ। इसमें लाइनिंग वगैरह की हमें ज़रूरत नहीं होगी। तो ये मेरे पास काफ़ी टाइम से रखा हुआ था। अगर आपके पास पुरानी बेडशीट है तो आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर न्यू फैब्रिक का इस्तेमाल भी आप कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम इसको इस तरह से फोल्ड करके रखेंगे। तो इस तरह से फोल्ड करने के बाद अभी हम इसकी मार्किंग करेंगे। तो जितना भी पीस हमें इसमें चाहिएगा, बस उतना ही हमें इसमें से पीस कट करना है। तो इस तरह से हम इसको रख लेंगे। तो हमने इसको इस तरह से फोल्ड करके रखा हुआ है। तो इसकी जो लेंथ है वो लेंगे हम 20 इंच। इस तरह से 20 इंच पे इस तरह से निशान लगा लेंगे। तो निशान लगाने के बाद सीधी हम इसकी अभी कटिंग करेंगे। तो कटिंग हमारी हो गई है और ये पीस हमने अलग कर लिया है। तो 20 इंच हमने इधर से लिया था और 20 इंच ही हमें इधर से लेना है। निशान लगाएंगे 20 इंच पे ऊपर। तो इस तरह से हमें 20-20 इंच पे निशान लगाते जाना है। तो निशान हमारे लग चुके हैं। इस तरह से सभी निशानों को मिला देंगे और अभी हमें इसकी कटिंग करनी है। तो इस तरह से कटिंग कर लेंगे। तो बस इस तरह से कटिंग कर ली है हमने। और ये हमारी बंद वाली साइड है, इसको भी हम कटिंग कर लेते हैं सेंटर से। तो ये 2 पीस हमारे रेडी हो गए हैं। तो इस तरह से हमने 20 इंच लेंथ ली है और 20 इंच ही हमने इसकी विड्थ ली है। तो ये दोनों ही स्क्वायर पीसेस हमारे कट हो गए हैं। अभी दोनों ही पीसेस को इस तरह से फोल्ड करेंगे, फिर से फोल्ड करेंगे, इस तरह से फोल्ड कर लेंगे। अभी हमें मार्किंग करनी है। तो 9 इंच पे निशान लगाएंगे। इस तरह से इंची टेप को रखेंगे और 9 इंच पे निशान लगा लेंगे। फिर से 9 इंच पे निशान लगाना है। इस तरह से इंची टेप को घुमाते जाएंगे। तो सभी निशान हमने इस तरह से लगा लिए हैं। अभी हमें इन सभी निशानों को इस तरह से मिला देना है। तो अच्छे से हमने सभी निशानों को मिला दिया है और एक थिक लाइन ड्रॉ कर ली है। अभी हमें इसकी कटिंग करनी है। तो इस तरह से कटिंग कर लेंगे। तो ये कटिंग हमारी हो गई है। तो इस तरह के 2 सर्किल हमारे रेडी हो गए हैं। तो बस इस तरह से आप किसी भी साइज के सर्किल कट कर सकते हैं। तो दोनों ही सर्किल हमारे कट हो गए हैं। तो अभी हमें इस सर्किल की जो है टोटल लेंथ मापनी है। तो इतनी ही साइज की हमें बस इसमें से पट्टी कट करनी है। तो इस तरह से इंच टेप को घुमाते जाएंगे और इसकी जो टोटल लेंथ है वो हमें मापनी है। तो यहाँ तक हमारी आ रही है 55 इंच। आगे से फिर से मापेंगे इस तरह से, तो यहाँ तक आ रही है 7 इंच। तो हमारी जो टोटल इसकी लेंथ है वो 63 इंच आ रही है। तो इतनी ही साइज की हमें इसमें पट्टी कट करनी है। तो इस तरह से हम इंच टेप को रखेंगे। तो 7 इंच हमारी इसकी लेंथ है पट्टी की। तो इस तरह से 7 इंच पे निशान लगाते जाएंगे। तो इस तरह से निशान लगाने के बाद अभी सभी निशानों को हम इस तरह से मिला लेंगे। अभी हम इसकी कटिंग कर लेंगे। तो हमारी पट्टी की कटिंग हो चुकी है। तो इसी तरह की एक और पट्टी हमें कट करनी है। तो ये दोनों ही पट्टी हमने कट कर ली है। अब इन दोनों पट्टियों को हम ज्वाइंट करेंगे, इस तरह से रखेंगे
और सीधे इसमें हम सिलाई लगा लेंगे और एक वन पट्टी हम रेडी करेंगे। तो इस तरह से हमने ज्वाइंट लगा लिया है और इस तरह से ये वन पट्टी हमारी रेडी हो गई है। और ये हमारे सर्किल है, इसमें से हम एक सर्किल को अभी साइड में रख देंगे और इस वाले सर्किल में हम इस पट्टी को अटैच करेंगे। तो इस तरह से घुमाते हुए बस इस पट्टी को हम अटैच कर लेंगे। तो बस इस तरह से हमने इसमें पट्टी को अटैच कर लिया है। तो बस इसी तरह से हमें दूसरे वाले सर्किल को भी इसमें अटैच करना है। तो ये हमारा दूसरा वाला सर्किल है, तो सीधी साइड अंदर की साइड रखेंगे, इस तरह से पकड़ेंगे और पिन से सिक्योर भी आप इसको कर सकते हैं। तो इस तरह से हम इसमें सिलाई लगाएंगे और हाफ हम इसको ओपन करने के लिए छोड़ देंगे। तो इस तरह से हमने इसमें दूसरे वाले सर्किल को भी अटैच कर लिया है और ये हमने ओपन करने के लिए छोड़ा है, ये हमारी बैक वाली साइड है। तो अभी हम इसको ओपन कर लेंगे ओपन साइड से इस तरह से। तो बस इस तरह से हमने इसको ओपन कर लिया है, तो ये हमारी ओपन वाली साइड है। तो बस यहीं से हमें इसको फिल करना है। तो अगर आपके पास पुरानी कॉटन है या फिर फोम वगैरह है या फिर पुराने कपड़े हैं, सिलाई से बची हुई कतरन है, तो आप वो भी इसमें फिल कर सकते हैं, या फिर जो शॉपिंग बैग होते हैं उनको भी आप इसमें फिल कर सकते हैं। तो अच्छे से हमने इसको फिल कर लिया है, तो ये हमारी ओपन साइड है, इसको भी हम सिलाई लगा के फिनिश करेंगे। तो इसमें हम सीधी सीधी सिलाई लगा लेंगे। तो सिलाई हमारी लग चुकी है और ये पीस हमारा रेडी हो गया है। तो आप देख सकते हैं कितनी फिनिशिंग के साथ हमने इसको बना के रेडी किया है। तो ये पीस हमारा रेडी हो गया है, आप इसको इस तरह भी यूज कर सकते हैं। तो अभी हमें इसमें पूरे सर्किल पे हम बॉर्डर बना के तैयार करेंगे। तो इस तरह से हम सुई और धागे की मदद से इसमें बॉर्डर बनाएंगे। तो इस तरह से हम उंगलियों की मदद से आगे की साइड से दबाते जाएंगे और बस इस तरह से हम इसमें सिलाई लगाएंगे। तो बॉर्डर बनाना बहुत ही आसान है, इस तरह से हम इसमें बॉर्डर बना के रेडी करेंगे। तो हम देख सकते हैं हमारी जो बॉर्डर है वो पूरी कंप्लीट हो चुकी है। तो धागे को अच्छे से पक्का कर लेंगे, अभी हम धागे को कट कर देंगे। तो हम देख सकते हैं फ्रंट साइड हमारी जो बॉर्डर है वो बनके रेडी हो गई है और कितनी फिनिशिंग के साथ हमने बॉर्डर बना के रेडी की है। तो इस तरह से आप बॉर्डर बना के रेडी कर सकते हैं। तो फाइनली हमारा जो फ्लोर सोफा है वो बनके तैयार हो गया है। तो बेकार वेस्ट कपड़े पुरानी कॉटन से आप इस तरह से फ्लोर सोफा घर में ही बना के तैयार कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, फटे पुराने वेस्ट कपड़ों को इस्तेमाल करने का ये वाला आइडिया आपको कैसा लगा कमेंट्स करके जरूर बताइएगा, और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक शेयर भी जरूर कर दीजिएगा। और इसी तरह की वेस्ट मटेरियल पे वीडियोस देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो फ्रेंड्स, आप भी इसको घर में जरूर ट्राई कीजिएगा और इसी तरह आगे भी आप मुझे सपोर्ट करते रहिएगा। तो फ्रेंड्स, फिर मिलेंगे इसी तरह के इंटरेस्टिंग सी वीडियोस के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।